तलवे पर लगी हुई रज की महिमा के गान कर रहे हैं। बंदा हो गुरु पद पद परागा, बंद हो गुरु पद पद परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देवे दृष्टि ये होती, सुमिरत देवे दृष्टि ये होती, दलन मोहतम सो पर काशु, दलन मोहतम सो पर काशु, बड़े भाग उरे आवई जासु, बड़े भाग उरे आवई जासु, गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमे दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रे मसुबानी, करहूँ प्रणाम समे मसुबानी, जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भुर निधान। बोलिए राजा राम सरकार की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बंदौ गुरु पद पद मा परागा। गुरुदेव के पराग अनुराग की सेवा। देखो चरण ही नहीं, चरणों के नीचे तलवा, तलवे के नीचे रज लगी हुई है, उस रज की महिमा, उसकी स्तुति गा रहे हैं। और मानस के प्रथम प्रकरण में गोस्वामी जी सबको नमन कर रहे हैं, गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं, फिर उसके बाद गणपति जी को आराधना की, सरस्वती की आराधना की, बहुत अधिक नमस्कार है यहाँ, बहुत प्रणाम सबको बोले। फिर गुरुदेव पर आए, फिर अयोध्या वासियों की स्तुति करते हैं, कौशल्या जी की, सुमित्रा जी की, कई जी को प्रणाम किया, राजा दशरथ को नमन किया, वशिष्ठ जी को नमस्कार, विश्वामित्र जी को नमस्कार, मिथिला के लोगों को नमस्कार, याद के दंड करने के संत महात्माओं को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और यहां तक के राक्षसों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों इतना प्रणाम क्यों करते हैं? बोले ये राक्षसों को प्रणाम क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? बोले ये बेहतर हैं जिन्होंने अपनी निगाह से मेरे राम जी को देख लिया, जिन्होंने एक निगाह भरकर रघुनाथ जी का दर्शन किया है, ये पात्र है उनकी कृपा के। जैसे केवट से किसी ने पूछा, बोले केवट, संत पूछते, बोले तेरे जीवन का कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई तेरे जीवन का भजन नहीं है, फिर भी ऐसी तुझमें क्या पात्रता है कि अनंत कोटि ब्रह्मंड के राजा अधिराज रघुनाथ सरकार नंगे पग चलकर तेरे तट पर आते हैं, और तो गंगा जी के जल से रघुनाथ जी के चरणों को धो देता है, उसका सेवन करता है। अरे वो चरण जो बड़े बड़े सिद्ध जनों को नहीं मिलते, बड़े बड़े योगी जन साधना करने के बाद भी जिनकी एक झलक नहीं देखते हैं, तो उन्हीं श्री चरणों को, उनके चरणों को धोता है, उनकी रज से सम्मिलित हुए उस चरणामृत का सेवन करता है, करवाता है, जन जन का उद्धार करता है। सच बता केवट, तुझमें ऐसी क्या पात्रता है कि रघुनाथ तेरे दर पर आए? रो पड़ा। बोले गुरुदेव
मेरे जीवन में कोई योग नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई जानता नहीं, अनपढ़ व्यक्ति हूं, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई नाम नहीं जानता, कोई सत्संग मैंने जीवन में नहीं किया, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं मुझ में ऐसी पात्रता है कि विश्वेश्वर परम योगेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा अधिराज जगदीश्वर परमात्मा निर्गुण सगुण ब्रह्म रघुनाथ नंगे पग चलकर मेरे गंगा जी के तट पर आए और मैं उनके चरणों को धोकर नाव पर सवार करके रघुनाथ को इस पल्ली से पार लेकर जाऊं, ऐसी पात्रता मुझ में दिखती नहीं है। तो बोले फिर क्यों आए? बोले मैं इतना जानता हूं कि जिस पर मेरे राजा राम सरकार कृपा कर दें वो पात्र अपने आप बन जाया करता है, उस पर अपने आप कृपा हो जाया करती है, जिसको प्रभु चुन ले। इसे ध्यान रखिए, आप लोग आए हैं इसका एक ही कारण है कि प्रभु ने हमको चुना है, इसके लिए चुना है। अगर चुन ही लिया और लगता नहीं मुझे कोई ऐसी औकात है, कम से कम मुझ में तो नहीं है कि यहां बैठकर कम से कम राम कथा के उस परम रस का रसास्वादन करूं या करवाऊं, आप में होगी पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं जब ये कृपा करते हैं तो अपने आप तन का तुम बुरा बोलता है, जब ये लगन पैदा करते हैं। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। जब इनकी कृपा होती है तो अंतर मन मंदिर में अपने आप वो मुरझाई कली खिल उठती है, ये डाले तो बीज भी डल जाए। प्रणाम का प्रकरण है ये प्रथम, और रज की महिमा देखो, बोले सरकार कृपा करे तो फिर ये मिले, ये प्रसाद मिले। और ये जो हमने 9 दिन बैठकर लेना है ना, देखो एक गंगा वो है बगरथी गंगा, गंगा जी का तट हरिद्वार में अलकनंदा पे, आप कहीं जाइए उस गंगा में बीच में जाओगे डूबने का प्रयत्न करोगे तो मर जाओगे। और एक ये गंगा है, इस गंगा में डूबने का प्रयत्न करोगे तो फिर तर जाओगे। अंतर है, ये रस डूबने के लिए, जितना डूब सके उतना डूब जाना, उतना आनंद मिलेगा। और मांग क्या हो, बार बार भर मांगो, याद कर लो, हर्ष देहो श्री भक्ति सदा, बार बार बर मांगो हर्ष देहो श्री रंग पद सरोज न पायनी भक्ति सदा सतसंग। इसलिए कोई और मांगो, धन न मांगो मान न मांगो और झूठे जग की शान न मांग, देना हो तो दे दो भगवन जपने को हरि नाम। बस नाम की महिमा है, पर नाम का प्रकरण है और नाम की महिमा है। बंदो गुरु पद पद मा परागा, बंदो गुरु पद परागा, बंदो गुरु पद पद परागा, बंदो गुरु पद पद परागा। देखो एक स्थान पर जाकर गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं, और वो क्या, बंदो संत अस जन चरणा, बंदो संत असजन चरणा, दुख प्रद अभ युबीच कछु वरना, दुख प्रद उभ युबीच कछु वरना। संत और असंत दोनों का गुणगान कर रहे हैं, और एक बात विलक्षण क्या करते हैं, बोले संत और असंत दोनों दुख देते हैं। संत है वो भी दुख देता है, और जो असंत है वो तो दुख देता ही है। तो लोगों ने पूछा, महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बोले असंत जो है दुराचारी है, वो दुख दे बात समझ में आती है, पर एक महात्मा संत दे वो उसके माध्यम से दुख मिले, ये बात कुछ जमी नहीं। बोले ये बात सत्य है। बोले कि लेकिन कैसे सत्य है? गोस्वामी ने कहा, बिछुरुत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण देही। बोले अंतर क्या है? असंत आता है
सज्जन आता है तो दुख मिलता है, उसके आने से दुख मिलता है, और संत जब आकर चला जाता है तो फिर दुख देकर चला जाता है। उसका वियोग दुख देता है और असंत का संयोग दुख देता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। कल सभी मानस साथ में लेकर आनी है, मेरे साथ साथ आपने भी, जिन जिन के घर में मानस किस किस के पास है, मानस माने रामायण श्री रामचित्त मानस किस किस के पास है, अच्छा कल लेकर आना पोथी में लपेट कर अच्छी तरह से, ताकि जब गोस्वामी जी महाराज अपने माध्यम से गुणानुवाद करें तो कम से कम हम सभी उसका आनंद ले पाए। ये ना केवल सुनते रहो समझ में भी ना आए, मेरे साथ साथ चलते रहना। गोस्वामी जी कितना सुंदर बखान कर रहे हैं, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। बोले मेरे रघुनाथ की कथा कैसी है, मंगल करण कलिमल हरण, जैसे गोपिकाएं कहती गोपिका गीत में, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कभी भिरीढितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन् तिते भूरिदा जना। गोपिकाएं कहती प्रभु आपकी कथा अमृत स्वरूप है, हमारे तप्त जीवन को शांत करती हैं, कलिकाल के प्रभाव को दूषित प्रभाव को खत्म कर देती हैं, और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम सुनने से मंगल करती हैं। और गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, मंगल करण कलि हर हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगत भनित बल होई सुजन मन भावनी, प्रभु सुजस संगत भनित बल होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। बोलिए राजा राम सरकार की जय, कलि मल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे दिया। और कहते एक बार काशी के ब्राह्मणों ने भेज दिया, बोले जाओ रात्रि का वक्त है, कुछ चोरों को बुलाया, ये जो गोस्वामी मानस लिख रहे हैं ना इसे उठाकर ले आओ, इसे उठाकर ले आइए। और आए, रात्रि का वक्त था, चोर धीरे धीरे देखा सब सो गए हैं, गोस्वामी विश्राम कर रहे होंगे, कुटिया में मानस है उठाकर ले आए। और जैसे आने लगे देखा तो क्या देखते हैं कि कुटिया के बाहर बड़े सुंदर दो राजकुमार शाही वस्त्रों में धनुष बाण धारण किए पहरा दे रहे हैं। बोले राजा राम सरकार की जय। जयकार में कंजूसी क्यों करते हो, थोड़ा हाथ उठा के थोड़ा खुश हो गए बोल लो। बोली राजा राम सरकार की जय। देखा चोरों ने कि बाहर दो राजकुमार थे, दो बड़े सुंदर आभूषण पहने, सुंदर वस्त्र, कंधे पर धनुष और बाण पहरा दे रहे हैं। और क्या उनका रूप,
और कहते रूप देखते ही, रूप देखते ही क्या हुआ, मन की दुष्टता खत्म हो गई, मन निर्मल हो गया। रघुनाथ जी का दर्शन करते ही नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सुंदर कमल के समान मुख ठाकुर जी का, सुंदर कमल के समान नेत्र जल जला रहे हैं, सुंदर हाथ कमल के समान कोमल और श्री चरणों पर निगाह गई। क्या एक एक अंग से अनुपम दिव्यतम प्रकाश प्रकट हो रहा है, क्या अलौकिक रूप लवण्य, क्या नैनाभिराम स्वरूप, चोरों का हृदय द्रवित हो गया, चोरी का भाव ही भूल गए। देखो एक हमारे वृंदा विपन बिहारी है जिनको देखने के बाद मन करता है चोरी करें, और एक हमारे रघुनाथ जी हैं जिनको देखने के बाद चोरी का भाव खत्म हो जाता है। दो एक रूप हैं लेकिन कृष्ण चित्त चोर हैं। गोपिकाएं कहती है ना ठाकुर जी आप चोर हैं, बोले मैंने ऐसा क्या चुरा लिया जो तुम मुझे चोर कहती हो। गोपिकाएं बोले ये बताइए आपने चुराया क्या नहीं। गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी सरकार आप करते हैं, यमुना के पुरी पर गोपिकाओं की चीर को आप चुरा लेते हैं, नवमंडल की इस नभों की ये जितने मेघ हैं इनकी कांति को आप चुरा लेते हैं, अपने को भक्तों को प्रेम करने वालों का सब कुछ चुरा कर उन्हें दर दर का भिखारी बना देते हैं, और कहां तक आपकी सरकार बात करें आप तो वो भी चुरा लेते हैं जो चुराने के लायक नहीं है। माने अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के, अपने संतों के अनंत अनंत जन्मों के पाप कर्मों को चुरा कर उन्हें पवित्र कर देते हैं। आप जैसा चोर कौन होगा। वृंदावन एक चोर वसत है। हमारे रसिक तो ये कहते हैं बोले जिसको अभी संसार का शौक है, जिसको अभी पत्नी के साथ अपना कुछ समय जिंदगी का आनंद ऐश्वर्य करना है, बच्चों का सुख भोगना है, खूब धन कमाना है, पद प्रतिष्ठा का मालिक बनना है, ऐश्वर्य भोग भोगना है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान करते हैं वो कभी वृंदावन में जाकर ठाकुर बिहारी जी की बांकी अदा का दर्शन मत कर लियो, अगर करोगे तो प्यारे सब कुछ चला जाएगा, इनका ही दर्शन कर लो, ये थोड़ा सा सहज है, थोड़ा बने रहोगे, जबकि भेद नहीं है, राम ही कृष्ण है। राम का अर्थ क्या होता है, राम माने जिसमें आपकी आत्मा रम जाए, जो नाम जपते 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 मन जिसमें रम जाए, या जो नाम हमारे अंतर हृदय में रम जाए वही तो राम है। अमीरा के राम कौन है, कृष्ण है। मीरा के राम कौन, क्योंकि उसका मन हर वक्त क्या है, कृष्ण कृष्ण में लीन है। लेकिन वो जो लीनता आई, वो जो तल्लीनता आई, वो जो तन्मयता आई, वो जो द्रव्यता आई, जो बीच में डूबने की प्रक्रिया आई, वो जो सारा मीरा को मिला परम रस मिला कहां से। मीरा गाती है पायो जी मैंने राम, गालो गालो आता है आपको, पायो जी मैंने पायो जी मैंने। अब ध्यान दो, क्या यहां मीरा के कहने का अर्थ रघुवंशी राम है जिसके कंधे पर धनुष है, तरकश बांधा हुआ है, क्या मीरा उसकी बात कर रही है, नहीं, मीरा कृष्ण की ही बात कर रही है। तो फिर यहां राम नाम का अर्थ क्या हुआ, माने जिस समय मीरा की आत्मा रम गई है वो उसके राम ही तो हो गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक करके दे रहा है मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दिनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दिनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
गोस्वामी भी इसी राम नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। बोले एक बार जीव राम नाम उच्चारण कर ले, राम माने जिसमें आपका मन नाम लेते लेते जिस नाम में डूब जाए, रम जाए, तन्मय हो जाए, फिर बिखरे नहीं, व्यवस्थित मन हो जाए। और व्यवस्था होगी कब? जब एक संत कृपा करेगा। सदगुरु सेवा के बिना, तभी तो प्रारंभ में गोस्वामी ने सदगुरु की महिमा गान की, बंदे हो गुरु पद पद्म परागा, गुरुदेव के चरणारविंदों की, पवित्र सुकोमल चरणारविंदों में लगी हुई वो रज की एक कणिका भी जीव को मिल जाए तो जीवन सुधार हो जाए। गुरुदेव की सेवा की ऐसी महिमा है। लेकिन सेवा क्या, ध्यान दीजिए, गोस्वामी प्रारंभ में कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा तो हो ही हो, विश्वास भी परिपूर्ण हो, विश्वास परिपूर्ण हो। बोले एक बार एक संत बड़े निष्ठावान थे, प्रति रघुनाथ जी की सेवा करते थे, मंदिर था, मठाधीश थे, बहुत बड़ा आश्रम था, और नित्य प्रति राम जी की सेवा करते, बहुत सेवक थे उनके। एक सेवक आया, एक भक्त आया, बड़ा भोलापन, भोला मन, बड़ी सादगी, बड़ी सरलता, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। गुरुदेव ने राम जी का मंत्र दे दिया, बोले बेटे तू राम राम जपा कर, राम जी की सेवा किया कर, दिन रात राम जी की सेवा करे। गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा, श्रद्धा भी और विश्वास भी, क्या गजब का। किसने कहा था, बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। बोले कैसे? बोले क्या गुरु ब्रह्मा है? नहीं, ब्रह्मा से बड़ा है, ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण में एक कमी है, एक दोष है, प्रलय हो जाएगा। अगर वो बनाता है तो बिगाड़ता भी है। ब्रह्मा अगर बनाता है तो बिगाड़ना भी है, लय भी होगा उसकी सृष्टि का। लेकिन मेरे गुरुदेव की महिमा तो ऐसी है, वो एक बार जिस गुण का विस्तार कर दे, निर्माण कर दे, बीज डाल दे, फिर उसे बिगाड़ते नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि में दोष है ये। बोले विष्णु पालना करते हैं, जगत की पालना करते हैं, सकल सृष्टि की पालना करते हैं, तो क्या गुरुदेव विष्णु के समान होंगे? बोले एक विष्णु के समान नहीं है, वो तो पालना करते हैं विष्णु तो, और समान होंगे भी कैसे? विष्णु तो सकल विश्व की पालना करते हैं, गुरुदेव के पास सकल विश्व थोड़ा ना है, उनके पास तो कुछ है, कुछ हिस्सा है, कुछ हजार, कुछ लाख।